Good morning children. Today anyways we are going to discuss a new chapter, listen 8, the earth and the moon. It's a very interesting chapter. Earlier also you might have already studied, you in earlier classes, what is earth kya hota hai? and what do you mean by moon. Now in this particular chapter we are going to move more further and we are going to get more knowledge about earth and the moon in this chapter we are going to discuss about the topics like what is inside the earth how are the conditions on the moon why does the moon appear in different shapes and what are different expeditions to the moon so let's start earth it is a planet on which we human beings exist and live on एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्ल्यू प्लानट आपको पता है इसे ब्लू प्लान भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है बिकॉज वेन इट इज़ व्यूड फ्रॉम द स्पेस जब स्पेस से इसे व्यू किया जाता है ना इट लुक्स ब्ल्यू मोर इन ब्लू कलर वाई बिकॉज ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वॉटर अर्थ के चारों ओर जो है ना सेवेंटी परसेंट जो है अर्थ पर वॉटर एग्जिस्ट करता है दैट इज वाई इट इज अप इट कैन बी सीन और व्यूड एज ब्लू कलर इसलिए इसे हम लोग ब्ल्यू प्लानट भी कहते हैं नाउ द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इसलिए इसे यूनिक भी कहा गया है क्योंकि सिर्फ एक यही ऐसा प्लैनेट है जहाँ हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं पूरे होल यूनिवर्स में ओके नाउ द अर्थ शोज टू काइंड ऑफ मूवमेंट्स दो टू काइंड ऑफ मूवमेंट्स होते हैं अर्थ में द फर्स्ट इज रोटेशन एंड द अदर इज रेवल्यूशन अब वॉट डी यू मीन बाई रोटेशन आपने शायद पहले भी पढ़ा है इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं रोटेशन द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज इज डे एंड नाइट अर्थ पे जो रोटेशन होता है उसके वजह से ही डे ऑन नाइट कॉज होता है फॉर्म होता है ओके सेकेंड इट मूवस अराउंड द सन इन अबिट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज रेवल्यूशन इसी मूवमेंट को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं एंड इट टेक्स अबाउट वन ईयर टू कंप्लीट द रेवल्यूशन वन ईयर लगता है अर्थ को सन का एक पूरा होल राउंड लेने में द अर्थ सर्फेस आपको पता है किन किन चीजों से बना हुआ है अर्थ का सर्फेस इट इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स वैलीज रिवर्स ओशंस एंड सीज एंड इवन प्लेन्स चिल्ड्रेन ओके सो ऑल दीज फीचर्स मेक अ अर्थ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन इनके वजह से ही जो हमारा अर्थ है ना इसे वेरी ब्यूटिफुल प्लानट का भी नाम दिया गया और कहाँ भी जाता है फेमस है क्योंकि यहाँ पर नेचर है नेचर ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रखा है ग्रीनरी है माउंटेन्स है वैलीज है रिवर्स ओशंस प्लेन्स सीज इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें एंड वॉट एवर थिंग जो हमें नेचर की तरफ से मिला है इट इज ऑब्वियसली नेचुरल और नेचुरल चीजें जो होती हैं वो ब्यूटिफुल होती हैं ओके सो नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉट डू यू मीन बाई इंटीरियर इंटीरियर का मतलब होता है अंदर ओके लाइक एग्जाम्पल आई गिव यू ऑफ अ क्लास रूम आप अभी मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे क्लासरूम में बैठे हुए तो वॉट आर द इंटीरियर प्रेजेंट इन योर क्लास रूम अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप क्या मुझे रिप्लाई करोगे मैम बेंचेस डेस्क टेबल चेयर ग्रीन बोर्ड फैंस लाइट्स बैग्स चिल्ड्रेन टीचर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सो ये क्या है उस क्लासरूम के सॉरी इंटीरियर्स हैं उस क्लास के अंदर क्या क्या मौजूद है एंड वॉट डू यू मीन बाई एक्सटीरियर उसका जस्ट ऑपोजिट होता है क्लासरूम डोर के बाहर का जो हिस्सा होता है पार्ट होता है दैट इज नोन एज एक्सटीरियर ओके घर के बाहर का हिस्सा जो रूम के अंदर है दैट इज इंटीरियर एंड वॉट इज आउट फ्रॉम द रूम दैट इज एक्सटीरियर सो वो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे ओके okay? सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो यू कैन से इन अदर वर्ड्स अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना बहुत इंटरेस्टिंग एज आई कि अर्थ क्या होता है अर्थ के ऊपर क्या क्या होता है दिस हम लोग पढ़ चुके लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अर्थ के अंदर क्या क्या होता है ओके सो लेट स्टार्ट जस्ट एज एन अनियन मेड अप ऑफ वेरियस लेयर्स द अर्थ इज ऑल्सो अप ऑफ थ्री कंसेंट्रेट लेयर्स अर्थ का जो है ना थ्री कॉन्सेंट्रेट लेयर्स से बना हुआ है लाइक अनियन एग्जाम्पल ओवर ये इट्स गिवन अबाउट अनियन अनियन देखा ना अनियन को कभी हाफ आप पील करोगे ना उसके अंदर लेयर्स यू कैन सी इट्स विजिबल इजेंट इट सो जब अर्थ के भी अंदर का थ्री लेयर्स जो होते हैं आप उसको देखे देखोगे ना तो इट ओनली यू कैन से आपको बिल्कुल एक अनियन की जो पीलिंग होती है ना बिल्कुल उसी टाइप से वो रिजेंबल करती है ओके okay?

अर्थ को भी कहा गया कि अर्थ ओवल शेप का होता है सो द अर्थ क्रस्ट इज लाइक द शेल ऑफ एन एग अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना क्रस्ट जिसे हम कहते हैं टॉप मोस्ट लेयर यू कैन सी ओवर हियर सी दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज क्रस्ट उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रस्ट और वो बिल्कुल एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना टॉप वन शेल जिसे हम कहते हैं बिल्कुल उसी तरह होता है और उसके ठीक अंदर में हम जाएंगे तो अगेन इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स मेंटल होता है और मेंटल जो है वो टू पार्ट्स में सब डिवाइडेड द सेकेंड लेयर इज नोन एज अपर मेंटल एंड द थर्ड इज नोन एज लोअर मेंटल और फिर उसके अंदर आप जाओगे उसके इनर में तो इट इज़ आउटर कोर एंड इनसाइड दैट इज इनर कोर सो वॉट आर ऑल आर द क्रस्ट मेंटल एंड कोर एंड अगेन इट इज सब डिवाइडेड इन टू टू पार्ट ओके सो लेट स्टडी फर्स्ट अबाउट द क्रस्ट क्रस्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है वॉट डू मीन बाई क्रस्ट द क्रस्ट इज अ टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर इट इज द कूलेस्ट ऑफ थ्री लेयर्स वो तीनों बाकी जो लेयर्स है ना अर्थ के जो तीन लेयर्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा कूलेस्ट लेयर होता है ओके एंड इट इज वेरी थिन ऑल्सो इट्स थिकनेस वेर इज फ्रॉम अराउंड फाइव किलोमीटर्स इन द ओशन फ्लो

लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ का जो मिडिल वाला लेयर है ठीक नीचे वाला जो मिडिल अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल सो दिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मैंटल इट लाइज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट क्रस्ट के ठीक नीचे सी ओवर इट्स दिस इज क्रस्ट एंड क्रस्ट के ठीक नीचे वाला लेयर जो है वो मैंटल कहलाता है द अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल द फर्स्ट वन द अपर इट इज अप टू सिक्स हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर बिलो द अर्थ सर्फेस अर्थ से वो कितना नीचे है सिक्स हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सर्फेस अर्थ के सर्फेस सेवेंटी किलोमीटर्स नीचे वह होता है इट इज मेड अप ऑफ बोथ सॉलिड एंड मिल्टेड रॉक्स वो किन किन चीजों से बना हुआ है सॉलिड दोनों चीज़ों से है सॉलिड भी है और मेल्टेड रॉक्स दोनों रॉक्स से मिलकर बनता है ओके नाउ द सेकेंड वन कम्स द लोअर मैंटन वॉट डू यू मीन माइट इट इज फाउंड बिटवीन सिक्स हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर एंड टू थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी किलोमीटर बिलो द सर्फेस वो सरफेस के कितना नीचे जाता है देखो अपर अब सॉरी अपर मैंटल सिर्फ सिक्स हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर और लोअर मैंटल जो है वो अपर मैंटल के ठीक नीचे वाला पोर्शन होता है सी दिस इज द अपर वन एंड दिस इज द लोअर मैंटल तो क्रस्ट से कितना नीचे पर है अपर मैंटल इट इज अबाउट सिक्स हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर्स और लोअर मैंटल उससे भी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी से और नीचे टू थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी किलोमीटर्स बिलो द सर्फे एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स ये जो है ये सिर्फ सॉलिड रॉक से बना हुआ रहता है द रॉक इज़ हॉट इनफ टू मेल्ट बट इज सॉलिड ड्यू टू द प्रेशर ओवर इट उसके ऊपर जो प्रेशर रहता है उसके वजह से वो सॉलिड रहता है क्लियर वॉट इज क्रस्ट वॉट इज मैंटल now let's study about the core okay this is the innermost layer of the earth innermost layer of earth that is known as core if it sorry it lies below the mantle and in the center of the earth the core is divided into two parts again like mantle it is also divided into two parts the outer core and the inner core now what do you mean by the outer core

दिस इज सो हॉट दैट द आयरन एंड निकल सॉरी देर आर लिक्विड ये इतना ज्यादा हीट रहता है वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि आयरन और निकल भी जो है न वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है ओके नाओ द इनर कोर इनर कोर इट इज अज मेटल बॉल ये एक मेटल बॉल की तरह बड़ा सा मेटल बॉल की तरह दिखता है इट एक्सटेंड्स एनदर फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वो उसके भी नीचे है ओके आउटर कोर जो हमने पहले मैटल पढ़ा था हमने मैटल के बाद कोर आया तो उसमें जो आउटर कोर है उससे भी और नीचे फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स वो नीचे है सेंटर में अर्थ के सेंटर में आता है इट इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन बट द मेटल स्टेज सॉलिड बिकॉज ऑफ़ द इमेंस प्रेशर सराउंडिंग इट वो भी मेटल बना हुआ आयरन का बट वो सॉलिड रहता है क्योंकि उसके आसपास जो प्रेशर बनते हैं ना सराउंडिंग्स में वो इमेंस होते हैं नाउ द इनर कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इनर कोर जो है ना वो भी अर्थ का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट कहलाता है द टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज अबाउट सिक्स थाउजेंड सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट एज हॉट एज द सर्फेस ऑफ द सन पता है आपको ये बिल्कुल जैसे सन का सरफेस होता है ना हॉट इट इज सिमिलर लाइक द सन सन के पास के जो सराउंडिंग्स होते हैं जितनी गर्मी वहाँ मौजूद रहती है ना उतनी ही गर्मी सिक्स थाउजेंड सेंटीग्रेड की टेम्परेचर होती है वेर इन द इनर कोर ओके आई होप इट्स क्लियर नाउ मून चलें ऑल ऑफ यू मस्ट है मून इन द नाइट स्काई ऑब्वियसली अभी टू डेज बिफोर ऑल्सो आपके घर में फेस्टिवल थी पूजा हुई होगी सब मून को आपने विजिबल था बहुत ही ब्यूटीफुल मून विजिबल था एंड आई थिंक सो यस्टरडे चिल्ड्रेन इट अ ब्लू मून आल्सो दो द मून एंड द सन लुक ऑलमोस्ट द सेम इन साइज बट द मून इज टाइनी इन कंपैरिजन टू द सन इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द अर्थ वो बड़ा क्यों दिखता है हम लोग को है तो वो साइज में बहुत छोटा है लेकिन हमें वी ह्यूमन बींग्स हमें हम ह्यूमन बींग्स को बहुत ही बड़ा क्यों दिखता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत ही क्लोज है इट इज अराउंड थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर्स नाउ द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ओके दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ अर्थ का क्योंकि नेचुरली हमें लाइट मिलती है ना अचुरल सैटेलाइट इज अवनली बॉडी दैट ऑबिट्स अ प्लान द मून टेक्स अबाउट ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज टू कंप्लीट वन रेवल्यूशन अराउंड द अर्थ क्लियर सो you're going to read the chapter till you and i'm going to ask few questions in my next class thank you